आपने अपने विद्यालय में 15 अगस्त या 26 जनवरी आदि राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा ध्वज फहराते हुए देखा होगा। यही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, 3 रंगों वाला हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, ऊपर केसरिया सफ़ेद और नीचे हरा, बीच में चक्र है, ये हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। आप भारत देश के नागरिक हैं, प्रत्येक देश की अपनी पहचान होती है, यही पहचान एक देश के नागरिकों को दूसरे देश के नागरिकों से अलग करती है। किसी भी देश या राष्ट्र की पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं राष्ट्रध्वज। राष्ट्रध्वज भी हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों में से एक है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार आम नागरिक भी राष्ट्रध्वज का प्रदर्शन नियमानुसार कर सकता है। आपने ओलंपिक के मैदान में कई देशों के झंडों को लहराते हुए देखा होगा। अगर आप खेल की खबरें देखते हैं टीवी में, न्यूज़ में, तो ओलंपिक्स में गेम होते हैं, तो उस ओलंपिक्स के गेम में कई देशों से टीमें आती हैं गेम खेलने के लिए, खेल के लिए। किसी भी राष्ट्र का ध्वज उस देश के इतिहास, पहचान, संस्कृति, परंपरा एवं विशेषताओं का प्रतीक होता है। इसमें उस राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं सेवा का भाव सम्मिलित होता है। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्रीय ध्वज सरकारी भवनों, विद्यालयों एवं अन्य विशिष्ट संस्थाओं में फहराया जाता है। जब भी हर साल कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है तो सरकारी ध्वज हर सरकारी जगह पर, जहाँ भी सरकारी भवन होते हैं, अस्पताल होता है या विद्यालय हो गए, हर जगह राष्ट्रीय ध्वज हमारा फहराया जाता है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पहचान कैसे पहचानेंगे, हमारे देश भारत का झंडा है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों की समान लंबाई व चौड़ाई की पट्टियाँ होती हैं, मतलब लंबाई में भी तीनों रंग समान है और चौड़ाई में भी समान है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई की 1.5 गुना होती है, जो ध्वज की लंबाई होती है वो उसकी चौड़ाई से 1.5 गुना ज़्यादा होती है। अतः राष्ट्रध्वज की लंबाई एवं चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, मतलब अगर लंबाई 3 है तो चौड़ाई 2 होगी। राष्ट्रध्वज में क्रम से 3 रंग होते हैं, सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद एवं सबसे नीचे हरा रंग होता है। 3 रंग होने के कारण ही इसे तिरंगा कहते हैं, इसमें 3 रंग होते हैं इसीलिए इसको तिरंगा कहते हैं। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। केसरिया रंग त्याग एवं बलिदान का प्रतीक है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, हरा रंग देश की हरियाली एवं खुशहाली को दर्शाता है। ध्वज के बीच की सफ़ेद पट्टी में गहरे नीले रंग का चक्र बना है। इस चक्र में 24 तीलियां हैं, जो हमारे ध्वज में सफ़ेद रंग पर जो चक्र बना है उस चक्र में 24 तीलियां हैं, जो 24 घंटे सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं। तो इन तीलियों से क्या तात्पर्य है, ये तीलियां बताती हैं कि एक दिन में कितने घंटे होते, 24, तो ये बताते हैं कि हमें 24 घंटे आगे बढ़ता रहना चाहिए, अपनी प्रगति करनी चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, इस चीज़ की प्रेरणा देती हैं। इन्हें भी जानो। राष्ट्रध्वज फहराते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहला है, राष्ट्रध्वज नियत समय पर ही फहराया जाना चाहिए तथा सूर्यास्त के पूर्व उतार लेना चाहिए। तो ये जो पहला है ये पहले था, अभी 75वां अमृत दिवस मनाया था, तो अभी नया रूल लागू हुआ है कि अब हम दिन और रात दोनों समय अपने झंडे को फहरा सकते हैं।
तो अभी हमारी सरकार ने हमें अपने अपने घरों में झंडा लगाने को बोला था, तो उस वक्त उन्होंने ये बताया कि ये जो सूर्यास्त के बाद झंडे को उतार लेना है इस वाला, अब ये नहीं फॉलो किया जाएगा। अब आप दिन और रात में अपने झंडे को अपने हाई ऊंचाई पे छत पर लगा के रख सकते हैं। तो ये अब पुराना हो गया है, नया क्या है, झंडे को हम फहरा सकते हैं रात में भी। और अभी तो जो भी सरकार ने बोला था फहराने को, तो वो चीज़ तो पूरी हो गई, तो हमें अपने झंडे अब वापस उतार के साफ से धो के अच्छे से रख लेने हैं। राष्ट्रध्वज सदैव सीधा फहराना चाहिए, मतलब सीधा, जैसे ऊपर का रंग केसरिया है तो ऊपर केसरिया ही रहना चाहिए, उल्टा नहीं करना है झंडे को। राष्ट्रध्वज शीघ्रता से चढ़ाना एवं धीरे धीरे नीचे उतारना चाहिए। राष्ट्रध्वज शीघ्रता जल्दी से ऊपर चढ़ा देना है, उसको नीचे नहीं रखना है, और आराम से धीरे धीरे उसको उतारना है। ध्वज फहराते समय वहाँ उपस्थित समस्त व्यक्तियों को सावधान की मुद्रा में खड़े होना चाहिए। जब झंडा फहरा रहे होते हैं तो सब हाथ पैर सावधान करके खड़े हो जाएंगे। ध्वज धूमिल हो जाने या फट जाने पर उसे ना तो इधर उधर फेंके और ना ही इसे फहराएं, बल्कि इसे सम्मान पूर्वक जमीन में दबा देना चाहिए। जब झंडा फट जाता है या खराब हो जाता है तो इसको हमें इधर उधर कूड़े कचरे में फेंकना नहीं है, अच्छे से सफाई से इसको जमीन में दबा देना है। देश में राष्ट्रीय शोक के समय राष्ट्रध्वज नियमानुसार झुकाया जाना चाहिए। जब कहीं शोक होता है, कहीं राष्ट्रीय में शोक मनाया जा रहा होता है, तो देखा होगा आपने टीवी वगैरह में या कहीं सामने ही, तो झंडा होता है जो फहरा लिया गया होता है उसको झुका लिया जाता है।